टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। रुपए ने आज यानी 19 जुलाई को रिकॉर्ड निचला स्तर छुआ है और ये 80 के पार खुला है। डॉलर के मुकाबले रुपए आज 4 पैसे कमजोर खुला है। डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर 80.10 रुपए प्रति डॉलर पर खुला है। इससे पहले कल डॉलर के मुकाबले रुपए 79.97 पर बंद हुआ था। पिछले एक महीने में रुपए 2% से भी ज्यादा टूट चुका है। वहीं एक साल में रुपए डॉलर के सामने 7.4% नीचे गिर गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में रुपए के टूटने के कारण बताए हैं। उन्होंने कहा, रूस यूक्रेन जंग जैसे ग्लोबल फैक्टर, कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और ग्लोबल फाइनेंशियल कंडीशन का कड़ा होना है। वहीं अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए के कमजोर होने के प्रमुख कारण हैं। करेंसी के उतार चढ़ाव के कई कारण होते हैं। डॉलर की तुलना में किसी भी अन्य करेंसी की वैल्यू घटे तो इसे उस करेंसी का गिरना, टूटना, कमजोर होना कहते हैं। बता दें कि करेंसी डेप्रिसिएशन भी इसे कहा जाता है। हर देश के पास विदेशी मुद्रा का भंडार होता है जिसे वह अंतर्राष्ट्रीय लेन देन करता है। विदेशी मुद्रा भंडार के घटने या बढ़ने से उस देश की मुद्रा की चाल तय होती है। अगर भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर अमेरिकी के रुपयों के भंडार के बराबर है तो रुपए की कीमत स्थिर होगी। हमारे पास डॉलर घटे तो रुपए कमजोर होगा, बढ़े तो रुपए मजबूत होगा। वहीं बता दें कि कहां नुकसान या फायदा इसमें देखने को मिल सकता है। बता दें, कच्चे तेल का आयात महंगा होगा जिससे महंगाई बढ़ेगी। देश में सब्जियां और खाद्य पदार्थ महंगे होंगे। वहीं भारतीयों को डॉलर में पेमेंट करना भारी पड़ेगा, यानी विदेश घूमना महंगा होगा, विदेशों में पढ़ाई महंगी होगी। वहीं बता दें, निर्यात करने वालों को फायदा होगा क्योंकि पेमेंट डॉलर में मिलेगा जिससे वह रुपए में बदलकर ज्यादा कमाई कर सकेंगे। इससे विदेश में माल बेचने वाली आईटी और फार्मा कंपनी को फायदा होगा। वहीं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में अधिकांश मुद्रा की तुलना में डॉलर से होती है। इसके पीछे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुए ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट है। वहीं बता दें कि इसमें एक न्यूट्रल ग्लोबल करेंसी बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। हालांकि तब अमेरिका अकेले ऐसा देश था जो आर्थिक तौर पर मजबूत होकर उभरा था। ऐसे में अमेरिकी डॉलर को दुनिया की रिजर्व करेंसी के तौर पर चुन लिया गया। वहीं मुद्रा की कमजोर होती स्थिति को संभालने में किसी भी देश के केंद्रीय बैंक का अहम रोल होता है। भारत में ये भूमिका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है। वह अपने विदेशी मुद्रा भंडार से और विदेश से डॉलर खरीदकर बाजार में उसकी मांग पूरी करने का प्रयास करता है। इससे डॉलर की कीमतें रुपए के मुकाबले स्थिर करने में कुछ हद तक मदद इससे मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।